हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एमडी रमजान सर स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से आ गए हैं ऑब्जेक्टिव्स हिंदी लेकर के क्लास टेंथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स, जो पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 50 तक के सॉल्व कर दिए थे। देखिए ये पहला प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन रहा होगा द राइज एंड कॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? नलिन बलोच शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। तो अब जो है आ गए हैं लेकर के 51 से, इस वीडियो में 1 से लेकर के और 50 तक के बता दिए थे। अब जो आ गए हैं लेकर के 51 से 100 तक के, ठीक है, जो बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसको वीडियो को देखना नहीं भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आने की संभावना है। तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं बताता हूँ उसको आप लोग देख करके आप लोगों को यादें हो जाता होगा। तो इसलिए जो है वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होता है। ऐसे भी आप दूसरा वीडियो देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि इस वीडियो को आप देखें। और हाँ, क्वालिटी अगर वीडियो को अगर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप 480p पे देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से एकदम आपको HD दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि 200, 240, 144, 360 पे थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। तो इसलिए आप लोग को देखने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब बिना देरी की हुई अब पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए 50 से जो है अब शुरू करते हैं। देखिए इसको बताने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ इसी तरह के हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमारा प्रश्न क्या है, 50 नंबर प्रश्न कहता है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? बीजाक्षर या वर्णलता सेन या पहल पुस्तिका या झरा पालक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहल पुस्तिका। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 51 नंबर, रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? जीनिया, कीम या मार्टिन या सोफिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोफिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 52 नंबर, किसकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रानंदन पंत या रसखान या गुरु नानक या घनानंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 53 नंबर, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु ये दिखाई नहीं देती है? बेरोजगारी या भारतीयता या अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयता। मतलब प्रेमघन जो है कहते हैं सब विदेशिया हो गया है, एकदम कुछो भारत नहीं लौकता है। भारत में पहनामा, बोलचाल, खान पान सब विदेशिया हो गया है। तो इसलिए जो है किसको कहाँ की बात कर रहे हैं? तो भारतीयता की, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 54 नंबर, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम के कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? कर्म, रिश्ते, नाते, जन्म और जीवन या परिवार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म और जीवन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 55 नंबर, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए 55 नंबर क्या है, कहता है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सय अज्ञेय या सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिद्धिनकर या बीरेन डंगवाल? तो इसका राइट आंसर 55 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्सय अज्ञेय, ठीक है। इसको शॉर्ट में इसको अज्ञेय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अज्ञेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 56 नंबर, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी या जनतंत्र का सनम या भारत माता या हिरोशिमा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 57 नंबर, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1926 में, 1925 में, 1927 में, 1928 में? तो देखिए 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1927 में, ठीक है। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 58 नंबर, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है? चिड़िया का, पौधे का, मधुमक्खी का या मक्खी का? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मक्खी का। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 59 नंबर, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है लोकयातन, पल्लव, उच्छावास या वीणा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकायतन। ठीक है ना, अंतिम ये काव्य है। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान या भारत माता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। देखिए हिरोशिमा पर अमेरिका जो है परमाणु बम गिरा दिया था, ठीक है ना, जो वहाँ के एकदम सब तहस नहस हो गया था, एकदम वही बात कहा गया है। मानव का अभी भी वहाँ पे इतिहास दिखाई देता है, अभी भी वहाँ आप जा कर के देखिएगा तो वहाँ पे आपको निशानी दिखाई देगा। ठीक है, तो 61 नंबर देखिए क्या है, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, अभिनेता, लेखक या कवि या पत्रकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि। जो कविता रचता है उसको क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर क्या है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है? प्रतिकूल कार्य, कमर कसर न छोड़ना या चैन मिलना या बराबर मानना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराबर मानना। ठीक है, ये मुहावरा है। आगे देखिए क्या है 63 नंबर, यरलव क्या है? ऊष्म व्यंजन है या अंतःस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है ना, ये यार लगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है 64 नंबर, 64 नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है यशोधरा का संधि विच्छेद है, यशः जोरधरा या यशो जोरधरा या यशोज जोरधरा रा या योर सोधरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यसह जोरधरा, यशोधरा का। ठीक है ना, क्योंकि अया के बाद जो है ओ हो जाता है, तो यह हो जाएगा ना यसह जोरधरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, देखिए अगर क्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 480p पे कर लीजिए, एकदम 480p पे आपको एकदम बढ़िया एकदम HD दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए 65 नंबर देखिए क्या है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हर एक आदमी का नाम है, तो बताइए आदमी क्या होता है? व्यक्ति होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए 66, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदवंत का उदाहरण है? संज्ञा पदवंत, विशेषण पदवंत या सर्वनाम पदवंत या क्रिया पदवंत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदवंत। 66 का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदवंत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 67 नंबर, देखिए पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना आप लोग, बस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि एग्जाम से बहुत ही VVI संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। 67 नंबर, निम्न में से शुद्ध 67 नंबर देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राजा दशरथ की 3 पत्नी रानियाँ थी, या बी में है राजा दशरथ को 3 रानियाँ थी, या सी में है राजा दशरथ का 3 रानियाँ थी, या राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, यही हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या है 68 नंबर, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक, सर्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिणाम बोधक। 68 का ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है 69 नंबर गोमल शब्द है तद्भव या तत्सम या देशज या विदेशज, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा तत्सम। गोमल जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 71 नंबर। 71 नंबर देखिए क्या है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो शब्दांश जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न देखिए क्या है 72 नंबर। सर्प शब्द में प्रत्यय है, सर्प में अ या प या प पर र या अप होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, 72 का ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है 73। अपमान शब्द का विशेषण होगा। अपमानी, देखिए मिटाते पहले, अपमानी, अपमानित, अपमानु या अपमानिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपमानित। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या है 74 नंबर। सभापति शब्द का कौन सा समास है? देखिए सभापति कौन सा समास है? अभिभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो देखिए 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74 का तत्पुरुष समास, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 75 नंबर। नाली में बहता हुआ पानी किस पदवंत का उदाहरण है? संज्ञा पदवंत, संज्ञा पदवंत, विशेषण पदवंत या सर्वनाम पदवंत या क्रिया पदवंत। तो 75 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यह है विशेषण पदवंत। ठीक है, विशेषण पदवंत। ठीक है, 75 के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 76 नंबर। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बार बार हमको बोलना पड़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए 77 नंबर क्या है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है अद्भुत या अतुल या अनूठा या नभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नभ। आकाश का क्या होता है? नभ, गगन, ये सब होता है। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर। अंधकार शब्द का विलोम है प्रकाश, रंग या आविर्भाव या अगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। अंधकार का प्रकाश मतलब अंधकार मतलब अंधेरा का उजाला यानी कि प्रकाश होगा। चलिए 79 नंबर क्या है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है? शिवक, शैव, शिवम या शिवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है? लज्जित होना, बेफिक्र होना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना या खूब याद रखना। तो देखिए घी का दिए जलाना का मतलब बहुत खुशी मनाना, आनंद मनाना। तो इसका मतलब अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता होना यानी कि सी नंबर सही है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर। सोना, सोना जो है धातु एक कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो होता है पुल्लिंग होता है। और चांदी याद रखिएगा, चांदी जो होता है स्त्री होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना, चलिए ये सब पूछ देता है एग्जाम। तो 81 नंबर हो गया है। अब 82 नंबर देखिए। 82 नंबर क्या है, घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए घड़ी जो होता है, घड़ी यह स्त्री कहा जाता है। जैसे घड़ी नहीं है, घड़ी अच्छी है, घड़ी पुरानी है, तो यह जाति का बोध कराता है ना। तो इसलिए जो है जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो होगा नहीं, क्योंकि आदमी तो है नहीं, घड़ी तो एक जो सांस लेने वाला जीव नहीं होता है, वो मरा हुआ होता है। तो एक जाति का बोध कराया ना। हाँ चलिए, तो यह हो जाएगा राइट आंसर जातिवाचक। अगला प्रश्न देखिए क्या है 83 नंबर। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है जेठिनीन, जेठाइन, जेठानी या जेठानी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जेठानी। जेठ का जेठानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अभिभाव समास। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभिभाव समास, अभिभाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न के 85, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आ रहा होगा गागी आया ना, तो भविष्य हो जाएगा, गागेगी जिसमें आता है भविष्य होता है, और जिसमें था, थे, थी या ये होता है उसको क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं, यानी कि उसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल जो बीत जाता है और जो अभी आने वाला है, जैसे गागेगी होगा तो उसको बोलते हैं भविष्य, क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं, भविष्यत्काल। ठीक है, और जो प्रेजेंट में काम हो रहा है जैसे ता है, ती है, ते हो, है ना, तो ये सब उसको कहते हैं वर्तमान, क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए 84 हो गया ना, रमेश 85 भी हो गया, रमेश आ रहा है कौन सा काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का, गागेगी आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न ये क्या है? 86 नंबर, मंगम्मा को किससे लेकर विवाद था? बेटा से, पति से, बहू से या माँ से? तो इसका राइट आंसर, तो कहानियाँ पढ़े थे किससे? बहू से लेकर के, दही वाली मंगम्मा पढ़े है ना, हाँ ये वर्णिका में बहुत ही अच्छा कहानी है। आगे देखिए क्या है, 87 नंबर, किस चिंता में लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? बताइए, सूखा की या भूकंप की या बीमारी की या बाढ़ की? तो देखिए बाढ़ की स्थिति में, जब बाढ़ आ गया था एकदम भयंकर गांव में, तो लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था, पूरा फसल बर्बाद हो गया, सब यदि कि बहुत नुकसान हो गया, लोग का भी जान का क्षति हो पहुँच गया, तो इसी कारण जो है इसी के चिंता में लक्ष्मी को नींद ही नहीं आ रहा था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 88 नंबर, 7 कोड़ी होता है जनतंत्र का जन्म था? बताए, 1928 में, 1927 में, 1929 में, 1926 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। चलिए अगला प्रश्न के 89 नंबर, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम करने लगे थे? गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में? कहाँ? इसका राइट आंसर शहर में, शहर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, रुकिए ऊपर कर लेते हैं, 89 हो गया है, अब 90। देखिए 90 नंबर का है, मंगू कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष या 15 वर्ष? तो मंगू एक पागल टाइप की लड़की थी जो गूंगी थी, ठीक है ना, वह 12 साल की लड़की थी, ठीक है ना, उसके लिए माँ जो है, उसकी माँ बहुत ही सेवा सदन की, ठीक है ना, मतलब एक होता है ना कि बेटा या कोई बेटी अगर वो अच्छा नहीं है तो उसको जो होता है ना कि देखभाल नहीं करता है, लेकिन मंगू को जो है उसकी माँ जो है बहुत देखभाल करती है, बहुत। वो आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको आंखों में आंसू आ जाएगा, तो इसलिए अब समय भी नहीं है, ठीक है ना, आपको पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। चलिए आगे देखिए क्या है, 91 नंबर, मदुरै पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ से लिखा हुआ है यह? कन्वुत, तोरिल साले में या काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में या करयलान शेम्बकुम्पू में या काला पानी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की क्या है, 92 नंबर, वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? क्या था? सापति, यापति, पापति या नापति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पढ़े है ना, पापति था, ठीक है ना, पापति। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वल्ली अम्माल, 93 नंबर, वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई थी? काले रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की या हरे रंग की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग की, पीले रंग की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 94 नंबर, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी? सफ़ेद ओढ़ना, देखिए सफ़ेद ओढ़ना, बैगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना या काला ओढ़ना? तो किस चीज़ को देखकर रुआसी हो गई थी? तो काला ओढ़ना देखकर, ठीक है, काला ओढ़ना। एक मिनट कहाँ चला गया, ओह ओह, चलिए देखिए, वो थोड़ा सा टिप आ गया था, बैक हो गया था। देखिए कहाँ हम लोग थे, तो 94 नंबर पर थे ना। देखिए क्या है, सीता क्या देखकर उदासी हो गई थी, सफ़ेद ओढ़ना, बैगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना, काला ओढ़ना। तो काला ओढ़ना देख करके सीता एकदम उदासी रुआसी हो गई थी, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, 95 नंबर, नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भवरी या पुष्पा या राधा या विमला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवरी। नारायण के पत्नी का नाम क्या था, भवरी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 96 नंबर, हेड नर्स का नाम क्या था, जिमी या मिरांडा या नसरीन या मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिरांडा। मिरांडा जो है हेड नर्स है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, 97 नंबर, वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था, पुत्री को, बहन को, पुत्र को या रिश्तेदार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 98 नंबर, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के दो कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे, यानी कि 400 के करीब, 300 के करीब या 100 के करीब या 200 के करीब। तो यानी कि इसका राइट आंसर 200 के करीब, यानी कि जो एकदम तुरंत यानी कि पूरा यानी कि भर गया था 200 लोग करीब, है ना। इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, खचाखच, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगता है शब्द, ठीक है ना। चलिए 99 नंबर देखिए क्या है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार, 1 मिनट, देखिए 99 नंबर है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, तो अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, कन्नड़ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नड़ के। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट है 100 नंबर, अच्युत किसका बेटा था, लक्ष्मी का, गुणनिधि का, सरपंच का या पुजारी का। तो देखिए अच्युत किसका बेटा है, अच्युत लक्ष्मी का है, लक्ष्मी का बेटा है, ठीक है ना, अच्युत। तो देखिए आज जो है एकदम 100 तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए थे ना, एकदम मज़ा आ गया था, मज़ा आ गया पढ़ने में। तो देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, देखिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि रोज़ इसी तरह के वीडियो हम डालते रहते, एकदम BBI, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप फिर जो है BBI प्रश्न लेकर के आएंगे, तो इसलिए जो है आप लोग देखना नहीं भूले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।